मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो हैं घर पे ही अवेलेबल होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नीचे दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो बनाते हैं आज गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर लेके उसको अच्छे से पील करके और ग्रेट कर लिया है, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम मैंने कट कर लिए हैं, पिस्ता, सोगी और काजू, चीनी मैंने 200 ग्राम ली है एक कटोरी, और देसी घी मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े लिए हैं, और 1 गिलास हम दूध लेंगे 300 ml, और 1 पाव मैंने खोया लिया है यानी 250 ग्राम। कढ़ाई को हम हीट कर लेंगे। अब उसमें हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी को मेल्ट करके उसमें हम जो गाजर हमने ग्रेट करके रखी है वो डालेंगे। अब हम इसमें जो गाजर हमने रखी है वो डाल देंगे सारी। अब मीडियम फ्लेम में हम इसको चलाते जाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक इसका पानी हम पूरा सुखा नहीं लेते। गाजर को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होना चालू हो जाएगा। हमने जितनी गाजर ली है, जब ये पक जाएगी तो ये उसका बस हाफ हिस्सा ही रह जाएगी। अब हम इसको मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट भुनेंगे। गाजर को बीच बीच में हिलाते रहिए। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, जो रेड था अब ऑरेंज दिखने लग गया है। इसको जब हम घी में पकाते हैं तो इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। अब जब इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे, जब तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है। अब हमें गाजर को पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें अब दूध डाल देंगे। आप देखेंगे गाजर हमने जितनी डाली थी उसकी आधी ही रह गई है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, जो हमने 1 गिलास दूध लिया था वो इसमें पूरा मिक्स कर देंगे, और गाजर इससे अच्छे से पक जाएगी। अब इसको अच्छे से दूध को मिक्स कर देंगे, और इसको बिल्कुल ओपन लिड से ही पकाना है, इस पर लिड नहीं लगानी है, और मीडियम फ्लेम पे फिर हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहिए, क्योंकि चलाने से वो चिपकेगा भी नहीं और आपको पता चलता रहेगा। ये हमारी गाजर अब बिल्कुल पक चुकी है और दूध जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने 1 कटोरी ली है, लगभग 200 ग्राम। ये हम सारी डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। चीनी डालने से भी थोड़ा पानी पानी आएगा, तो वो भी हमको अच्छे से सुखाना है। आप चाहे तो दूध वाला हलवा ही बना सकते हैं, और या फिर खोया भी यूज कर सकते हैं। मैं तो खोए वाला हलवा बनाऊंगी, क्योंकि गाजर का हलवा तो खोए के बिना अधूरा लगता है। अब हम इसको चीनी को अच्छे से पका लेंगे इसमें। चीनी डाल के हम इसको तेज आंच पे ही भून लेंगे, ताकि जो चीनी का पानी है अच्छे से सूख जाए, और इसमें हम ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर देंगे।
ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है डालने। मैं बादाम, पिस्ता और काजू और किशमिश यूज करूंगी। ड्राई फ्रूट आप मर्जी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब अगले 5 मिनट हम इसको और भुनेंगे, जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा फिर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें खोया डालेंगे। चीनी डालने के बाद लगातार 5 से 7 मिनट इसको तेज आंच पे बिल्कुल पका लें। देखिए अब हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें घी भी छोड़ दिया है, मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से पक चुका है और गाजर भी अच्छे से गल गई है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और नहीं तो इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसमें खोया मिला देंगे। बिल्कुल अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब हमारा गाजर का हलवा ठंडा हो गया है। अब हम इसके ऊपर खोया डाल देंगे ऐसे हाथ से मैश करके। इसको ठंडा होने के बाद ही डालें, नहीं तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आपका गाजर का हलवा जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। ये हमारा गाजर का हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना यम्मी गाजर का हलवा है।